जय श्री कृष्णा दोस्तों, अपना देश चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानेंगे देव शयनी एकादशी, जिसे हरि शयनी एकादशी भी कहा जाता है। दोस्तों इस दिन से हरि शयनी एकादशी से भगवान श्री हरि विष्णु जाते हैं पाताल लोक राजा बलि के यहाँ, चार महीने तक निवास करते हैं। चार माह तक जो भगवान श्री हरि निवास करते हैं, निद्रा में रहते हैं, उसे योग निद्रा का समय कहा जाता है। दोस्तों ये समय बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है और इसी एकादशी से चतुर्मास के नियम जो है वो प्रारंभ होते हैं। चतुर्मास जो है इसी एकादशी से शुरू हो जाता है। दोस्तों इन चार मासों में कोई भी मंगल कार्य, जैसे कि विवाह है, नवीन गृह प्रवेश का कार्य, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसके पीछे कारण क्या है? आप पूरी तरह से ईश्वर की भक्ति में डूबे रहे और सिर्फ ईश्वर की पूजा अर्चना करें, इसके लिए समय होता है। दोस्तों साथ ही दोस्तों इस समय कुछ परिवर्तन भी होते हैं, इसके पीछे बहुत सारे वैज्ञानिक कारण होने के पीछे इन चार महीनों के लिए विशेष नियमों का विधान। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे चतुर्मास कैसे कौन से नियम है जिसे एक गृहस्थ को भी पालन करना चाहिए। बस चतुर्मास का असल में सन्यासियों का समय माना जाता है, सन्यासियों द्वारा समाज को मार्गदर्शन करने का समय बतलाया जाता है। लेकिन दोस्तों इन चार मास में कुछ चीज़ें हैं जिन्हें कि हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए, कुछ नियम है जो चतुर्मास में हर इंसान को फॉलो करना चाहिए। वो कौन से नियम है? साथ ही दोस्तों हम जानेंगे इस एकादशी के दिन जिन लोगों के घर में लड्डू गोपाल भगवान श्री हरि की तस्वीर है, उन्हें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, इस दिन किस तरह से उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए, व्रत करते हैं तो व्रत आपने किस तरह से करना है, इस एकादशी की पूजा विधि क्या है, साथ ही हम सुनेंगे देव शयनी एकादशी व्रत की कथा। दोस्तों आपने वीडियो पूरा देखना है और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर से कीजिएगा। साथ ही दोस्तों जिनके भी घरों में आप जिन्हें जानते हैं उनके घर में अगर लड्डू गोपाल है तो उनके साथ आप इस वीडियो को जरूर से शेयर कीजिएगा। और साथ ही दोस्तों अगर आप अपना देश चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले आपने क्या काम करना है, सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर देना और घंटी के बटन को प्रेस कर देना है। तो फटाफट शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों ये जो चार मास, जैसे कि मैंने पहले कहा कि मांगलिक कार्य, विवाह का है, उपनयन का है, नवीन ग्रह प्रवेश के कार्य जो है इस समय वर्जित माने गए। साथ ही दोस्तों इस समय ऋतु परिवर्तन हो जाते हैं, वर्षा ऋतु चालू हो जाती है और बदलते मौसम में शरीर में रोगों का मुकाबला करने की लड़ने की क्षमता बिल्कुल से कम हो जाती है, हमारी प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बिल्कुल क्षीण हो जाती है। इसलिए उस शक्ति को बढ़ाने के लिए, आध्यात्मिक शक्ति के लिए व्रत उपवास आदि का नियम बनाया गया। साथ ही दोस्तों इस समय में बहुत सी चीजें हैं जिन्हें कि हमें खाना नहीं चाहिए, उनके पीछे बहुत ही साइंटिफिक रीजन है। दोस्तों चतुर्मास के अंदर और खासतौर पर सावन के महीने में दूध, घी, तेल, इन सब चीजों को जो ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसके पीछे रीजन क्या होता है? सावन के महीने में बहुत तरह की घास जो उग जाती है, जो हम लोग हरी सब्जियां खाते हैं उनके साथ में कुछ जहरीले पौधे भी उगाते हैं, उन पौधों को गाय भैंस इत्यादि खाते हैं जिनका कि दूध हम ग्रहण करते हैं, तो उस दूध के साथ में वो जहर भी मिक्स हो जाता है जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। इसीलिए दोस्तों इन समय में जब हमारी जो हरी सब्जियां उनके साथ में घास इत्यादि उगी रहती है, जहरीली घासें उगी रहती है, इस समय दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके साथ दोस्तों इस समय में तेल का त्याग करने का भी विधान है। इसके पीछे रीजन क्या है दोस्तों? कि तेल को ग्रहण करने की हमारी क्षमता कम हो जाती है, इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि अगर मधुर स्वर आप चाहते तो अपने गुड़ का त्याग करना, दीर्घायु और पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति चाहते तो अपने तेल का त्याग करना चाहिए, शत्रु का नाश करने के लिए कड़वे तेल का त्याग करना है और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए मीठे तेल का त्याग करना चाहिए, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए पुष्प आदि जो चीजें उनका भोग नहीं करना चाहिए, ये हमारे शास्त्रों में वर्जित बताए गए हैं इस समय के लिए। और साथ में वास्तव में दोस्तों इन दिनों में चारों तरफ नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ने लगता है और शुभ शक्तियां कमजोर पड़ने लगती है। ऐसे में जरूरी होता है कि देव पूजन करें, प्रभु शक्ति को जागृत रखना बहुत ही जरूरी होता है। इसलिए इस समय को जो है वो प्रभु भक्ति से जोड़ा गया है ताकि हम अपने आप को अंदर से स्ट्रोंग करें। व्रत इत्यादि करने से हमारी इनर पावर बढ़ती है। देव प्रबोधिनी एकादशी देवता जब उठते हैं उसके साथ में शुभ शक्तियां प्रभावी हो जाती हैं, नकारात्मक शक्तियां क्षीण हो जाती हैं, तो हमें अपनी नॉर्मल लाइफ उस समय से शुरू कर देनी चाहिए। और साथ ही दोस्तों अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं
तो इस आषाढ़ी एकादशी यानी कि देवशयनी एकादशी के दिन आपने विशेष पूजा करनी चाहिए। भगवान की अगर मूर्ति है तो आपने आपने उसे पंचामृत से स्नान करवाना है। फिर शुद्ध जल से स्नान करवाने के बाद भगवान श्री हरि को, लड्डू गोपाल को आपने पीले वस्त्र धारण करने हैं। उसके बाद में पूजा अर्चन करनी है, भोग लगाना है और इस दिन की कथा जरूर से सुननी चाहिए। और फिर भगवान के लिए बहुत ही सुंदर सा बिस्तर आपने बिछोना तैयार करना चाहिए, फ्रेश बिस्तर आपने तैयार करना चाहिए। श्वेत चद्दर जो है, साफ सुथरी सफ़ेद चद्दर लगा कर आपने भगवान श्री विष्णु को उस पर सुलाना चाहिए और पीले रंग की जो चादर है वो उड़ाकर उन्हें सुलाना चाहिए। और दोस्तों, अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो ये दशमी के शाम से ही व्रत स्टार्ट हो जाता है। कांसे के बर्तन, चना, उड़द, मसूर, शहद, शाक, दूसरे का धन, तामसिक भोजन, ये सब चीजें एक गृहस्थ के लिए वर्जित बता दी जाती हैं। जो व्रत करते हैं उन्हें इन चीजों का, नियमों का पालन करना चाहिए। आपने जमीन पर सोना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और सत्य का आचरण करना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए। कोई भी व्रत करके इंसान को कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए, किसी दूसरे का अन्न जो है उस दिन ग्रहण नहीं करना चाहिए। और देवशयनी एकादशी के दिन आपने सुबह जल्दी उठकर दैनिक कर्मों से निवृत्त होकर भगवान श्री हरि विष्णु का विशेष पूजन करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। दशमी की रात्रि को जो आप भोजन करें दोस्तों, वो सिंपल भोजन करें और साथ ही सात्विक भोजन जो है वो आपने करना चाहिए। दोस्तों, इस दिन आपने भगवान श्री हरि के सामने संकल्प करके व्रत करना चाहिए और संकल्प करके बोलना चाहिए कि आज मैं चोर, पाखंडी, दुराचारी मनुष्य से बात नहीं कहूँगा, न ही किसी का दिल दुखाऊंगा। गौ, ब्राह्मण आदि को फलाहार और अन्न आदि देकर प्रसन्न करूंगा। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादश अक्षर मंत्र का यथाशक्ति जाप करूंगा, गुरु मंत्र का जाप करूंगा और राम, कृष्ण, नारायण इत्यादि विष्णु सहस्त्र नाम को कंठ का भूषण बनाऊंगा। इस तरह से आपने जो हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लेकर संकल्प करना है और ऐसी प्रतिज्ञा करने के बाद भगवान श्री हरि का मन में स्मरण करके प्रार्थना करनी है कि हे त्रिलोकी नाथ, मेरी लाज रखना, आपके हाथ में मेरी लाज रखना और मैं ये संकल्प मैंने लिया है इसको पूर्ण करने की मुझे शक्ति देना। मौन जप, शास्त्र पठन, कीर्तन, रात्रि जागरण एकादशी व्रत को विशेष फल प्रदान करते हैं। इसलिए आपने पूरे मन से मौन रहकर जप करके, शास्त्र इत्यादि का ध्यान करके आपने कीर्तन करते हुए आपने इस व्रत को करना है। और साथ ही दोस्तों, इस दिन भगवान श्री हरि के साथ माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा का भी विधान है। माँ लक्ष्मी की भी मूर्ति, तो उन्हें भी आपने जो है पंचामृत से स्नान करवाएं, जल से स्नान करें, साफ स्वच्छ वस्त्र पहनाए, भोग लगाए और उसके बाद में आपने माँ लक्ष्मी के मंत्रों का भी आपने जाप करना चाहिए। इस दिन आपने पूजा करने के बाद भगवान श्री हरि की आरती करें और आरती करने के बाद में एकादशी व्रत की कथा को आपने जरूर से सुनना चाहिए। पूरे दिन आपने निराहार रहना चाहिए। आप फलाहार ले सकते हैं, जल ग्रहण कर सकते हैं और पूरे मन से भगवान श्री हरि का नाम रटते हुए इस दिन आपने उपवास करना चाहिए। और दोस्तों, इस व्रत में जागरण और दान का विशेष महत्व है, इसलिए आपने यथाशक्ति इस दिन दान जरूर से करना चाहिए और रात्रि को जागरण करना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों में इस दिन के लिए वामन पुराण में कथा आती है कि असुरों के राजा बलि ने अपने पराक्रम से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था और राजा बलि के आधिपत्य को देखकर इंद्र देवता घबरा कर भगवान विष्णु के पास मदद को पहुंचे। भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर राजा बलि से भिक्षा मांगने को पहुंचे और भगवान वामन ने बलि से तीन पग भूमि मांगी। पहले और दूसरे पग में भगवान ने धरती और आकाश को नाप लिया और तीसरे पग रखने के लिए कुछ बचा नहीं तो राजा बलि ने कहा कि तीसरा पग मेरे सर पे रख दे। भगवान विष्णु राजा बलि के दान धर्म से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा बलि से वरदान मांगने को कहा तो बलि उनसे पाताल में उनके साथ बसने का वर मांग लिया और बलि की इच्छा पूर्ति के लिए भगवान को उनके साथ पाताल जाना पड़ा। राजा बलि को दिए वरदान के कारण ही आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक शुक्ल की एकादशी यानी कि देवोत्थान एकादशी तक पाताल लोक में भगवान श्री हरि वास करते हैं और पाताल लोक में उनके रहने की इस अवधि को योग निद्रा माना जाता है। दोस्तों, ये तो है देवशयनी एकादशी के पीछे की कथा। अब हम सुनेंगे देवशयनी एकादशी के व्रत की कथा। अर्जुन ने कहा, हे केशव,
आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इस व्रत के करने की विधि क्या है, किस देवता का पूजन किया जाता है। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे पार्थ, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था, तो ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे नारद, तुमने कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि देवशयनी एकादशी का व्रत सभी व्रतों में उत्तम है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते हैं वह नरक कामी होते हैं, और इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी का नाम पद्मा है। इसे देवशयनी एकादशी, विष्णु शयनी एकादशी, आषाढ़ी एकादशी, हरिशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अब मैं तुमसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, तुम मन लगाकर सुनो। सूर्य वंश में मानधाता नाम के एक चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे, जो सत्यवादी और महान प्रतापी थे। वह अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन किया करते थे। उनकी सारी प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी थी। उनके राज्य में कभी भी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय राजा उस राज्य के में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। अन्न के न होने से राज्य में यज्ञ आदि भी बंद हो गई। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी कि हे राजन, सारी प्रजा त्राही त्राही कर रही है, क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। राजा मानधाता कहने लगे कि आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हो गए हैं। मैं आप लोगों के दुख को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा को सेना साथ लेकर वन की तरफ चल दिए। अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करते हुए अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे। वहाँ राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम के पश्चात उनसे आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनीत स्वभाव से कहा, हे भगवान, सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ रहा है, इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा है। जब मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया, इसके कारण का पता मुझको अभी तक नहीं चल सका है। अब मैं आपके पास इसी संदेह को निवृत्त करने के लिए आया हूँ। कृपा करके मेरे इस संदेह को दूर कीजिए, साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय बतलाइए। इतनी बात सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे राजन, ये सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्म की उपासना करते हैं, उनके केवल केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है, ब्राह्मण की ही तपस्या करने का अधिकार रखते हैं, परंतु राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो उस शूद्र का वध कर दो। इस पर राजा कहने लगा कि महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस प्रकार मार सकता हूँ, आप इस दोष से छूटने का कोई दूसरा उपाय बताएं। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख प्राप्त करेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है, समस्त उपद्रवों का नाश करने वाला है। और इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा, सेवक और मंत्रियों सहित करो। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आया। उसने विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई, राजा को सुख पहुंचा। अतः इस एकादशी, इस मास की एकादशी का व्रत सब मनुष्य को करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग, परलोक में मुक्ति देने वाला है, और इस कथा को पढ़ने सुनने से मनुष्य के सारे पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं।
दोस्तों ये थी देवशयनी एकादशी के व्रत की कथा। दोस्तों मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि जैसा कि इस व्रत के नियम में बताया जाता है और चतुर्मास के नियमों में कहा जाता है कि हमें हरी सब्जियाँ जो है पत्तेदार सब्जियाँ वो नहीं खानी चाहिए, दूध ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये उस समय की बात है जब इतने ज़्यादा जो है कीटनाशकों का आविष्कार नहीं हुआ था, जो एनिमल्स हैं उनको इतने वैक्सीनेशन नहीं दिए जाते, लेकिन आज के समय में जानवरों को वैक्सीनेशन भी दिया जाता है और कीटनाशकों का इस्तेमाल भी किया जाता है। तो क्या अब हमें दूध और सब्जियों को ग्रहण कर लेना चाहिए, इन नियमों का पालन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप कमेंट के थ्रू मेरे को जरूर से बताएं। और साथ ही दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर से कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर जान पहचान के लोगों के साथ शेयर जरूर से कीजिएगा। हम फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और शेयर करते रहिए। जय श्री कृष्णा।